लेकिन सीधी बात यह है कि यहां पर एक बहुत गंभीर विषय पर हम बात कर रहे हैं, और गंभीर विषय इसीलिए है क्योंकि यह एक गैंगस्टर से जुड़ा हुआ मामला है। जेल से वो क्या वाकई एक गैंग चला रहा है जो कि अब पप्पू यादव के बाद यहां पर बाल संत को भी धमकी दे रहा है। मेरा सवाल आचार्य जी सवाल सबसे बड़ा, एक बहुत से लोग सोशल मीडिया पर बात कर रहे हैं कि भाई इनको बाल संत को क्यों धमकी देगा लॉरेंस बिश्नोई, यह भी चर्चा चल रही। आपको 1980 का दशक याद होगा कि जब पंजाब में आतंकवाद था, और पूरे विश्व के अंदर हमारे विक्रम सिंह जी बैठे हैं कि जिस भी भारत के अंदर जब सिक्योरिटी चाहिए होती है, एक चिट्ठी दिखाई जाती है कि भाई मुझे बब्बर खालसा की तरफ से एक थ्रेट आया है कि कल वो मुझे अपहरण करने वाले हैं और इस प्रकार का खेल करने वाले हैं। और उसके बाद जब आतंकवाद का पंजाब में स्थिति थी तो हर कोई आदमी बन के कंबल ओढ़ के वहां आ जाता था कि मैं आतंकवादी हूँ, इतने पैसे पहुंचा देना। ये स्थिति है, लोग आज की तारीख में जिस प्रकार की स्थिति कर रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है। वास्तविक तौर पर विक्रम सिंह जी भी समझना चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है कि जो लोग ऐसी कंप्लेंट कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं तुरंत आज भारत के अंदर, मैं कहूं नहीं कि बहुत सारे लोगों ने सिक्योरिटी इसी कारण से ली है कि पत्थर में लिपटी हुई एक चिट्ठी आ गई थी घर में साहब, कोई फेंक गया था और उससे हमको सिक्योरिटी चाहिए, वो हमको गोली मारने का अधिकार हो गया है। ऐसी स्थिति लगातार बन रही है और मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे जानता हूं कि जिन्होंने पत्थर में लिपटी हुई चिट्ठी और डाक खाने में प्राप्त हुई चिट्ठी, आज की तारीख में ईमेल्स का तो दौर चल गया है कि कहां से आ जाती है। ये पूरा का पूरा एक सोशल मीडिया स्टंट चल रहा है और तथाकथित तौर पर बरगलाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि जब तक जांच होती है, जांच की प्रक्रिया बहुत लंबी है एक स्थिति को, और ऐसे लोग ऐसे बहती गंगा में हाथ धोते हुए अपने आप को जो पब्लिसिटी देने का प्रयास किया जाए। बाल संत का एग्जाम्पल आपके सामने है, उनकी वीडियो जाके देखें किस प्रकार की स्थिति मचा रखी, कोई चिकन खा रहा है, कोई चिकन नहीं खाना चाहिए, जिस प्रकार की स्थिति लगातार चल रही है एक सोशल मीडिया पर, लोगों को पैसा कमाने का धंधा मिला हुआ है, साफ साफ सा समझाए, और ऐसी स्थिति देखकर लोगों को मजा भी बड़ा आता है। मैं कहूंगा ये एक प्रकार की बीमारी है। आप सुचारिता जी, अभी कुछ दिन पहले दो महीने से एक नया खेल शुरू हुआ है कि आपको याद होगा कि ईमेल कर दो कि एरोप्लेन में बम है। ये इस प्रकार के जो लोग मजा आता है ना, ये बेसिकली बड़े नोटोरियस प्रकार के लोग हैं। नहीं पर ये आचार्य जी देखिए, ये बड़ा हमारे लिए बड़ा आराम से ये कहना है, क्योंकि देखिए आपने जैसा कहा कि बहुत सी चर्चाएं इस बात को लेकर हो रही हैं। डीजीपी सर, ये कहना कि भाई लॉरेंस बिश्नोई जेल में है, उसके नाम पर बहुत से लोग उगाही कर रहे हैं, ये सत्य हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहां से जो रियल थ्रेट है उसे हम इग्नोर कर दें। एक तो जेल सिक्योरिटी वाले सवाल है, दूसरी तरफ के वहां से वाकई भी तो धमकी हो सकती है। हम तो इसे डिसमिस कर रहे हैं कि नहीं ये तो ऐसे ही सिक्योरिटी के लिए कर रहे हैं, ये अपनी सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, और अगर इसको दरकिनार कर दिया जाए और भगवान ना करे कुछ घटना हो जाए तो फिर क्या होगा? सुचरिता जी, आपके प्रश्न के दो भाग हैं और सबसे पहले मैं पहले भाग में जाऊंगा कि कोई भी धमकी गंभीरता रूपक सत्य मान करके गंभीरता से गहराई से जांच होनी ही चाहिए। 99 धमकियां फर्जी हो सकती हैं, अगर एक धमकी फर्जी है और बिल्कुल उस पर कार्रवाई नहीं हुई तो उसमें बहुत बड़ी त्रासदी और हो सकती है। इसलिए ये जाकर के उसको पूरी अनुसंधान उसका किया जाता है, सच्चाई तक जब तक तह तक नहीं। जी डीजीपी सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। धमकी आती है और अपने ऊपर आक्रमण करा करके या पत्थर से ना, जी अब आवाज आ रही है, नामी ग्रामी अपराधियों को लेकर के उनके नाम से धमकी ले लेना, ईमेल प्राप्त कर लेना और फर्जी अकाउंट बना करके उसमें फिरौती लेना, ये भी होता है, क्योंकि वो जो बरगद के पेड़ के नीचे छोटे मोटे मवाली बन जाते हैं और अपनी गाड़ी के ऊपर गोली चलवा लेना, अपनी गाड़ी के ऊपर पटाखे चल के ग्रेनेड चल गया, अपनी गाड़ी के शीशे तोड़वा लेना, उसके बाद कहना हमारे गंभीर जीवन भय है इसलिए हमें सरकारी खर्चे पर, राजकीय खर्चे पर, गवर्नमेंट कॉस्ट पे सिक्योरिटी दी जाए, ये भी तमाम ड्रामे होते हैं। और एक ड्रामे ने अगर कही मैं 10 ड्रामे आपको बता दूं तो ये, लेकिन वो उचित नहीं होगा, समय भी नहीं है। लेकिन अगर कोई धमकी है उसकी तह तक आपको जाना है, दूध का दूध पानी का पानी होना है। अगर 1% गुंजाइश नहीं, अगर धमकी आई है तो उसका इन्वेस्टिगेशन फेयर और गहराई से होना चाहिए और जब तक इसका निराकरण ना हो जाए, धमकी को सही मान करके वांछित प्रिकॉशन भी लेना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे ये बालक हो जिसको मैं संत तो नहीं कहूंगा, और चाहे पप्पू जी हो, बड़े राजनेता हैं, अपनी सुरक्षा के बारे में सतर्क रहना चाहिए। लेकिन हमको भी अपने काम से ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए कि हमको मालूम पड़े कि हमारी वजह से कोई स्थिति ऐसी हो जो कि असमंजस की हो। सिक्योरिटी एक कॉस्ट पे आती है और ये कॉस्ट जो है जो सबसे नीड टू बेसिस के ऊपर सबसे ज्यादा जीवन भय, आपके पैनल में अगर 6 लोग हैं तो जाहिर है कि सबको 6 को नहीं मिल सकती है, जो सबसे ज्यादा जिसका जीवन भय सर्वाधिक होगा सुरक्षा उसी को मिलेगी, बाकी 5 को नहीं मिल पाएगी।
तो इसके बारे में चयन करना होगा। ये चीजें कॉस्ट के ऊपर आती हैं और वास्तविकता के ऊपर, जीवन भय के आकलन के ऊपर आती हैं। मैं एक बार जरा सुनील जी, मैं आपके पास वापस आ रही हूँ और प्रेम जी के पास, दिलीप जी के पास, लेकिन एक बार सुनवाना चाहती हूँ कि जो बाल संत अभिनव अरोड़ा है, इनकी माँ कह क्या रही है लॉरेंस बिश्नोई की धमकी को लेकर, जरा सुनिए। हमारे पास लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप से एक मैसेज आया व्हाट्सएप ग्रुप में, जिसमें हमें धमकी दी जा रही है कि अभिनव को मार दिया जाएगा। हमारे पास कॉल्स आते हैं कि आपके बच्चे को मार देंगे, काट देंगे, बहुत अपशब्द बोल रहे हैं, बहुत गालियां दे रहे हैं। अभिनव ने सिर्फ भक्ति करने के अलावा कुछ ऐसा गलत काम नहीं किया है जिसके लिए उसको इतना कुछ बर्दाश्त करना पड़ रहा है। तो वो तो खुलकर कह रही है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग से हमारे बेटे को धमकी आ रही है, हमने तो कुछ ऐसा किया नहीं। और आप सुनील जी कह रहे हैं आंदोलनकारी है, क्रांतिकारी है और लोगों को भी प्रेरणा दे रहा है। सुनील जी, इसकी पुष्टि नहीं है चरिता जी, इसकी पुष्टि नहीं हुई है। उसकी माँ ने अगर ये बोला है, मिला है, क्या वो जांच का विषय है? वो जांच होगा जिस मोबाइल से आया, वो नंबर बिश्नोई साहब का मोबाइल नंबर ऐसे कहीं सिद्ध नहीं होता है। और ऐसे नहीं है, वो खुद एक हिंदुत्ववादी है, एक सनातनी है, ये झूठा मैसेज है। कल देखेंगे आप, कभी आगे के चैनल पर आप ये चीज उठाएंगे कि ये गलत मैसेज किसी और ने दिया है, जैसे आपको बोला कार्पेंटर ने किसी को धमकी दिया, वैसे ही होगा। तो गोगा मेड़ी जी क्या सनातनी नहीं थे? दिलीप जी को जरा ले लीजिए, क्या गोगा मेड़ी जी सनातनी नहीं थे? गोगा मेड़ी पर की हत्या का आरोप है, वो सनातनी नहीं थे क्या? आप बोल रहे हैं वो खुद सनातनी है, दूसरे सनातनी को धमकी नहीं दे सकते हैं दिलीप जी? जी बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं बिल्कुल सुचित्रा जी, वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि जिस प्रकार अभी बच्चे का ये बताया, उनकी माँ ने बताया, बोला है कि उनको धमकी आई है, तो आप इसी चीज से सुनिश्चित कीजिए और इस पे इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये सच में ही बिश्नोई गैंग से आ रही है, और अगर आ रही है तो बहुत गंभीर है, और नहीं है तो इसकी भी जांच होनी चाहिए कि एक इस बिश्नोई से जो है, लोग अपनी जो है अपने आप को फेमस भी करना चाहते हैं, अपना आपको पब्लिसिटी के लिए भी उसको नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। जब एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि 14 महीने से जो है वो बिश्नोई लॉरेंस बिश्नोई किसी से मिला नहीं, एक तरफ कहा जा रहा है कि उनसे बात की गई है, तो मैं अभी ये कंफ्यूजन है, समझना चाहते हैं कि हकीकत में लॉरेंस बिश्नोई जब इतने सख्त उसमें जेल के अंदर है, तो दूसरे जो लोग हैं वो धमकियां दे रहे हैं, वो किस प्रकार से दे रहे हैं, उसके क्या पुष्टि है, मतलब हम ये जानना चाहते हैं। नहीं नहीं, यह तो सुनील जी कह रहे हैं कि प्रतिनिधि मिलकर आए हैं, 14 महीने से किसी से मिला नहीं, लेकिन इनके प्रतिनिधि से मिले हैं। सुनील जी, आप पुष्टि कर रहे हैं नेशनल टेलीविजन पर कि लॉरेंस बिश्नोई से मुलाकात हुई है आपके प्रतिनिधि की? मैं आपको वहां का एक्नॉलेजमेंट लेटर दिखा रहा हूं जो सुपरिटेंडेंट के नाम पे दिया गया, और हम भी शेयर करता हूं, जहां हमारे राष्ट्रीय सचिव श्री राजेश त्रिपाठी गए हैं, शायद आपके चैनल के माध्यम से उसको शेयर भी किया है। हाँ। आप उसको एक बार दिखाएंगे तो आपको जेल का वीडियो भी दिखाई देगा कि वहां पे वो जाके दे रहे हैं, संपर्क किए हैं, एक्नॉलेजमेंट लिया है, और क्या बात हुआ वो भी आपको बताया है। क्या बात हुई है लॉरेंस बिश्नोई से, क्या बात हुई आपके प्रतिनिधि की, क्या बात हुई लॉरेंस बिश्नोई से? फॉर्म देने के उपरांत मैसेज ये मिला है कि 2 दिन में ये फॉर्म भर के देना थोड़ा मुश्किल होगा, और वो पहली बात उन्होंने धन्यवाद किया कि बिश्नोई समाज का नाम कद बढ़ा हुआ है। और जहां तक लॉरेंस भैया का सवाल है, वो इतना प्यारे शब्द में बात करते हैं कि कोई बोलेगा नहीं कि वो ऐसे गतिविधि चलाते हैं। और लॉरेंस भैया को केवल ये चुनाव नहीं, उनको जाना है पार्लियामेंट में, और जैसे अमृतपाल सिंह, लॉरेंस बिश्नोई ने हामी भर दी है कि वो आपकी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहा है, आपने तो भर दिया हामी भर दी बनकर उत्तर भारतीय विकास सेना, वो सांसद में भी जाएंगे? नहीं नहीं, हामी भर दिए, इस महाराष्ट्र के चुनाव में लड़ेगा, इस महाराष्ट्र के चुनाव में जो 2 दिन केवल मिले हैं, 2 दिन में, 2 दिन में जो पेपर डॉक्यूमेंट जमा करना होता है, वो एक प्रोटोकॉल के आधार पे वो पूरा नहीं हो पाएगा, और वो चाहते हैं कि वो चुनाव लड़े लोकसभा का, और हम आपको वादा करते हैं आपके चैनल में आज के दिन, हम ये वादा करते हैं लॉरेंस बिश्नोई भैया एक सांसद बन के पार्लियामेंट में जाएंगे। देखिए मैं तो इस बात को ही समझ नहीं पा रही हूँ, मैं इस बात को देखिए इस पूरी कहानी का कितना वाइड स्पेक्ट्रम कहना चाहिए, कि एक तरफ लॉरेंस बिश्नोई की धमकी आ रही पप्पू यादव को, दूसरी तरफ बाल संत अभिनव को, वो कह रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई मरवाना चाह रहे हैं, बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग, वहीं गोगा मेड़ी जी की हत्या के पीछे ये सबकी जांच चल रही है, लेकिन इसी के साथ साथ प्रेम कुमार जी दूसरी तरफ क्रांतिकारी बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जेल से ही चुनाव लड़ेंगे और मुलाकात भी हुई है। अब ये सब जो मामले हैं,
इसमें ये समझ ही नहीं आ रहा है कि एक्चुअल लॉरेंस बिश्नोई के पीछे की जो जो सोच है या फिर वो जो गैंग काम कर रहा है वो कर कैसे रहा है। अब देखिए, अब तो लॉरेंस बिश्नोई सनातनी भी हो गए, लॉरेंस बिश्नोई भावी सांसद भी हो गए, लॉरेंस बिश्नोई राजनीतिक भी हो गए। जब सब लोग लॉरेंस बिश्नोई का इस्तेमाल कर रहा है तो राजनीतिक दल भी एक खड़ा हो गया लॉरेंस बिश्नोई का इस्तेमाल करने के लिए। जिन व्यक्ति को कोई देश में नहीं जानता था वो लॉरेंस बिश्नोई के नाम पे टीवी चैनल पे डिबेट में बैठे हैं, तो ये फायदा तो उनको मिलेगा, पॉलिटिकल मिलेगा। जिन्हें 3000 सिखों की हत्या की थी उनके बेटे राहुल गांधी को हीरो मानते हो, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई को आप यहाँ का दुश्मन मानते हो।